सीएम सिटी करनाल में बीती देर रात करीब 11 बजे मेरठ रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। ये हादसा इतना भयानक था कि कार डिवाइडर से टकराकर एक खंभे में जा टकराई और खंभा टूटकर कार पर गिर गया। इस हादसे में कार सवार शुगर मिल के लीगल एडवाइजर 38 वर्षीय रमन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि बीते दिन एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए रमन कुमार शुगर मिल में गया हुआ था, लेकिन रात करीब 11 बजे घर लौटते वक्त मेरठ रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते रमन की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर खंभे में जा भिड़ी। ये रात को सगन देने के लिए शादी में गया था जी शुगर मिल में, तो आधे पौने घंटे के अंदर सगन देके वापसी आ रहा था जी, तो पता लगा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। परिवार में कौन कौन है? परिवार में दो बच्चे हैं जी छोटे, जी माता जी है, फादर इसके पहले एक्सपायर हो गए थे, एक भाई है जी। तो कहाँ काम करता था, क्या जानकारी आपको मिली? शुगर मिल में लीगल एडवाइजर थे जी। हादसा कैसे हो, कुछ जानकारी मिली? हादसा तो बस यही पता लगा, रात को आ रहे थे जैसे सगन दे के शादी से, तो एक्सीडेंट हो गया। कारण नहीं बचल पाए कुछ? ना, कारण नहीं पता लगा। क्या मौत हो गई है? हाँ जी एक्सपायर हो गई थी मौके पर ही। हाँ जी। कितनी उम्र थी सर उनकी? उम्र हुई 38 साल का। क्या नाम था उनका सर? रमन, रमन कुमार। शुगर मिल में जॉब करते थे सर? हाँ जी। हाँ जी। क्या इंसान था सर? कुछ लोग बता रहे हैं शायद उन्होंने ड्रिंक कर रखी। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं जीवन में ड्रिंक नहीं करी कभी। ना ना, ड्रिंक नहीं कभी करता था वो, मेरे को बिल्कुल करके सामने देता था, कभी बढ़िया लड़का था, सिंसियर लड़का। जीवन में उन्होंने ड्रिंक कभी करी नहीं आज तक। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनकी मिसिज है, एक बेटा है, गुड़िया 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 नाइन्थ क्लास में, गुड़िया आठ नौ साल की गुड़िया है, और एक छोटा बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में है, लड़का है वो। कितने बजे एक्सीडेंट हुआ था, कुछ आइडिया सर आप लोग को? रात को 9:30 के आसपास। रात को 9:30 आप लोग को जानकारी किसके मार्फत मिली सर? हमें तो आज सुबह पता लगा, मौके पर ही मौत हो गई थी। आप बता रहे हैं मौत हो गई थी? मौके पर ही बता रहे हैं हो गई थी जी। शादी में भी दिखाई दिया था, पता नहीं लेट भी लेट गया होगा शादी शुदी में। आप जानते थे रमन को? हाँ हम भी शुगर मिल में हैं, जानते हैं रमन को। 5 मिनट हुआ है रात हुआ, रात हुआ तो क्या गाड़ी स्पीड वगैरह में? ये तो नहीं पता हो जाता कभी, क्या मौके पर हम देखे नहीं, कैसे बताएंगे। क्या काम करता था उसमें? था वकील, था मिल में वकील था। वकील? हाँ वकील था ना प्रदीप लो, वकीले था ना। बता दें कि हादसे के बाद राहगीरों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल रमन कुमार को गाड़ी से बाहर निकाला और तुरंत कल्पना चावला अस्पताल में ले गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक रमन कुमार शादीशुदा था, जिसके एक लड़का और एक लड़की है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की सहायता से गाड़ी को डिवाइडर से हटा लिया है और आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।